आज हम बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट वेज से होता है और ये डिफरेंट मेथड्स और वेज इस प्रकार है। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन, जिसे हम द्विखंडन कहते हैं, बडिंग, मुकुलन, कोनिडिया के द्वारा एवं एंडोस्पोर्स अंतः बीजाणुओं के द्वारा होता है। आइए सबसे पहले हम बाइनरी फिशन को स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन जो है सिंपलेस्ट और कॉमन मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, और बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में तभी होता है जब पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं एवं एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। जब फेवरेबल एनवायरमेंटल एवं टेम्परेचर कंडीशंस बैक्टीरिया को मिलती है और भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तब बैक्टीरिया, मोस्टली जो बैक्टीरिया है, बाइनरी फिशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इसकी स्टेप्स को देखते हैं। दिस इज द बैक्टीरियल सेल, यह बैक्टीरियल सेल है। इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल और इस बैक्टीरियल सेल में सिंगल सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरियल बाइनरी फिशन इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और यह डीएनए रेप्लिकेशन ओआरआई साइट ऑफ ओरिजिन से इनिशिएट होता है। चूंकि यह सिंगल सर्कुलर डीएनए है तो ओआरआई साइट से डीएनए का जो रेप्लिकेशन है अपोजिट साइड्स में मूव करता है और जल्दी ही डीएनए की दो कॉपी जो है बन जाती हैं। साइमल्टेनियसली जो बैक्टीरियल सेल है अपने आकार में वृद्धि करता है, इट एनलार्जेस इन साइज। जैसे ही डीएनए की दो कॉपी बन जाती है, दीज टू कॉपी ऑफ डीएनए गेट सेपरेटेड, यह अलग अलग हो जाती है और जैसे ही यह सेपरेट होती है, सेल वॉल जो है मूव्स करती है इनवर्ड, और इसके इनवर्ड मूवमेंट के कारण एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है और सेप्टम फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, टू डॉटर बैक्टीरियल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल मदर बैक्टीरियल सेल। इस तरह दो डॉटर बैक्टीरियल सेल जो है बन जाती हैं। यह सिंपलेस्ट मेथड है और इस सिंपलेस्ट मेथड के द्वारा बैक्टीरिया जो है रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। तो सेकेंड मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वह है बडिंग, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, बल्कि यह कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रोडोमाइक्रोबियम। इस प्रोसेस में बैक्टीरियल सेल से स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्फेरिकल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है और इन छोटी छोटी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स में कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर कर दिया जाता है और यह बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मेन बैक्टीरियल सेल से कंस्ट्रिक्शन, संकुचन के द्वारा सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर यह एक नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करती है। एंड थर्ड मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडिया। कोनिडिया के द्वारा भी बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कोनिडिया के द्वारा बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर फिलामेंटस बैक्टीरिया में होता है, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस। कुछ फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस में जो फिलामेंट्स की जो टिप्स होते हैं, इन टिप्स पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है चेन में। यह कोनिडिया जो है स्मॉल सर्कुलर ओवॉइड शेप के होते हैं और यह ट्रांसवर्स सेप्टम के द्वारा इनका निर्माण होता है। जैसे ही यह कोनिडिया जो है मैच्योर हो जाते हैं, यह रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होके फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में यह जर्मिनेट होकर नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस पे होता है, इन्हें हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इस तरह कोनिडिया के द्वारा भी बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज थ्रू एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के द्वारा बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंडोस्पोर्स आर द रेस्टिंग स्पोर्स, यह रेस्टिंग स्पोर्स हैं और यह एंडोस्पोर मदर सेल के अंदर बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें एंडो कहते हैं। एंडो मींस अंदर, इनसाइड इनका फॉर्मेशन होता है, मदर सेल के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है और चूंकि यह एक डॉर्मेंट स्पोर है, इसीलिए हमने इसे जो है एंडोस्पोर, एंडो मींस इनसाइड एंड डॉर्मेंट है, इसलिए हमने इसे स्पोर नाम दिया है। दीज आर द डॉर्मेंट स्पोर। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन अधिकतर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। And these are the steps of formation of endospore in Bacillus subtilis. Bacillus subtilis bacteria में endospore formation की ये अवस्थाएं हैं। आइए इन्हें study करते हैं। This is a normal vegetative cell.
नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में असिमेट्रिक डिवीजन के फलस्वरूप दो सेल्स का दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक जो बड़ी कोशिका है ये मदर सेल है और जो स्मॉलर सेल है दिस इज द फोर्थ स्पोर जो बाद में एंडोस्पोर का निर्माण करती है। फोर्थ स्पोर और मदर सेल के बीच में उपस्थित यह जो सेल वॉल है यह पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है और जल्दी ही यह पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल जो है नष्ट हो जाती है और इसके नष्ट होने के पश्चात मदर सेल इस फोर्थ स्पोर को एंगल्फ कर लेती है, मतलब निगल लेती है। यही हमारी थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्पोर एंगल्फमेंट। द फोर्थ स्पोर इज एंगल्फ बाय द मदर सेल और यह फोर्थ स्पोर जो है मदर सेल के अंदर चला जाता है। यह प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस के द्वारा ही जो है एंडोस्पोर की जो कॉर्टेक्स कॉर्टिकल रीजन है, कोट रीजन है, इसका सिंथेसिस मदर सेल के अंदर होता है। इसके अलावा जो एंडोस्पोर के स्पेसिफिक केमिकल्स केमिकल कंपाउंड है इनकी भी सिंथेसिस के अंदर ही होती है। द नेक्स्ट स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ स्पोर कॉर्टेक्स। इसके पश्चात फोर स्पोर की कॉर्टिकल रीजन का निर्माण होता है और बाद में इन द स्टेज फिफ्थ इसकी कोट की सिंथेसिस होती है। एंड द लास्ट स्टेप स्टेज सिक्स इज द स्पोर मैचुरेशन एंड डिहाइड्रेशन। स्पोर में जो पानी की मात्रा है इसे जो है बहुत ही कम कर दिया जाता है, यही प्रोसेस डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन के द्वारा जो स्पोर जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है और यह फुली मैच्योर भी हो जाता है। स्पोर में पानी की मात्रा मैच्योर मदर सेल के मुकाबले काफी कम होती है और इसी कारण यह जो है हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंडोस्पोर। यह मैच्योर एंडोस्पोर है, इसमें हम देखते हैं इसमें हाईली थिक वॉल पाई जाती है। द आउटर मोस्ट थिक कोट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। यह आउटर मोस्ट थिक कोट जो है यह प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसी प्रोटीन कोट के कारण ही एंडोस्पोर केमिकल्स को रेजिस्ट करता है, यह केमिकल डैमेज से अपने आप को बचा लेता है। बीनीथ द कोट, कोट के नीचे जो है उपस्थित है कॉर्टिकल रीजन। यह एंडोस्पोर का कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टेक्स कहलाता है और यह कॉर्टेक्स जो है पेप्टिडोग्लाइकन से निर्मित होता है। इसमें थिक लेयर्स पेप्टिडोग्लाइकन की पाई जाती हैं और यह कॉर्टिकल रीजन एंडोस्पोर को हाई टेम्परेचर कंडीशंस में भी सरवाइव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स यानी कि वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर में भी एंडोस्पोर सरवाइव कर सकता है ड्यू टू दिस कॉर्टिकल रीजन। बीनीथ द कॉर्टेक्स लाइज अ जर्म सेल वॉल। जर्म सेल वॉल इस कॉर्टिकल रीजन के नीचे उपस्थित होती है और यह जर्म सेल वॉल जो है बैक्टीरियल सेल बनती है जब एंडोस्पोर मैच्योर होता है और इनर मोस्ट रीजन जो है एंडोस्पोर का यह कोर कहलाता है और इस इनर मोस्ट कोर रीजन में उपस्थित होता है जेनेटिक मटीरियल डीएनए, इसके अलावा राइबोसोम्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाइपिकोलिनिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड द कोर रीजन। डाइपिकोलिनिक एसिड की उपस्थिति के कारण ही जो है एंडोस्पोर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है। इस तरह हमने देखा कि एंडोस्पोर एक डॉर्मेंट स्पोर है और इसमें थिक कोट पाया जाता है, कॉर्टिकल रीजन पाया जाता है, इसमें जो है वाटर बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है और यह इन्हीं कोट और कॉर्टिकल रीजन की उपस्थिति के कारण ही हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, यूवी इरेडिएशंस को भी जो है इसमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है यूवी इरेडिएशन से और यह केमिकल डैमेज से भी अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकता है और एंजाइमेटिक डैमेज से भी अपने आप को बचा सकता है। इस तरह एंडोस्पोर एक हाईली रेजिस्टेंट डॉर्मेंट स्पोर है और इस एंडोस्पोर जो है कई वर्षों तक जीवित रह सकता है एंडोस्पोर और जैसे ही कंडीशंस एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है सुटेबल होती हैं यह एंडोस्पोर जो है जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने के बाद यह एक नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह एंडोस्पोर एक डॉर्मेंट स्पोर है और इस स्पोर के द्वारा कुछ बैक्टीरियल जैसे कि पर्टिकुलरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल
अपने जेनेटिक मटेरियल को बचाने में सफल हो पाते हैं। इसी लेक्चर के साथ आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।